जिसमती हदूद में कोरोना वायरस की सूरतहाल का जायजा लेते हुए रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने दोनों शहरों में इस मर्ज को मजीद फैलने से रोकने के लिए इकदाम करने की जरूरत पर जोर दिया। इस इजलास में वज़ीर दाखला महमूद अली, मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता, जिसमती कमिश्नर लोकेश कुमार, कलेक्टर शिविता मोहंती और मौके में सेहत के अधिकारी शरीक थे। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने हुकूमत की कारकर्दगी और सलाहियत पर तनकीद करने और सवाल उठाने वाली बास सियासी जमातों की मजम्मत की। उन्होंने बताया कि जीएचएमसी हदूद में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों को खाना खिलाने के नाम पर कोविड-19 के कवायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। वो बज़ाहिर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी हवाला दे रहे थे, जिन्हें पुलिस ने इतवार को गांधी हॉस्पिटल के पास गिरफ्तार कर लिया। इसमें हमारे ऑनरेबल मिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव साहब, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, हैदराबाद कलेक्टर, जीएसएमसी कमिश्नर, पुलिस ऑफिसर, तमाम डिपार्टमेंट के, हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने हॉस्पिटल्स के HODs, एक सीरियस मीटिंग के अंदर ख़ास तौर से कोरोना के ट्रीटमेंट के बारे में बहुत डिस्कशन रहा। हुकूमत यही चाहती है कि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हो, और काफ़ी हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए और अच्छे से हेल्थ सर्विस दिया जाए। काफ़ी डिस्कशन में जो जो चीज़ें आई, और ख़ास तौर से वैक्सीन के बारे में, 3 दिन से डिले हो रहा है, कल से कुछ वैक्सीन शुरू करेंगे। वैक्सीन जो है ऑनलाइन स्लॉट बुक करने के बजाय जो बुक करना चाहते हैं बुक करिए, और जो भी अपना आइडेंटिटी कार्ड लाते हैं, आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आपके पास आइडेंटिटी हो, हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन घर घर तक लोगों को पहुँचाना चाहिए। पहुँचाने का मतलब उन्हें इंजेक्शन देना चाहिए। तो तमाम मेरे लोगों से भी, आवाम से भी मेरी गुजारिश है कि ये इसका कोरोना का, जब तक हम वैक्सीन नहीं लेंगे, जब तक हमें प्रोटेक्ट नहीं, तो हम ये चाहते हैं कि जितने हमारे जितने भाई है जो ले चुके हैं, वो सेकंड डोज लेना चाहते हैं वो भी लीजिए, और जो नहीं लिए हैं वो फर्स्ट डोज लीजिए, सेकंड डोज फिर जैसा टाइम आता लीजिए। हम हमारे कलेक्टर साहब से और कमिश्नर साहब से और हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसरों से, और यही गुजारिश किया गया है कि लोगों को मैक्सिमम वैक्सीन दीजिए। वैक्सीन चूँकि नहीं आने की वजह से थोड़ा लेट हुआ, अब आ चुके हैं, इंशाल्लाह आपसे शुरू किया जाएगा। और हुकूमत यही चाहती है कि जितना हो सके सरकारी दवाखानों में इलाज हो, जहाँ जहाँ बेड की ज़रूरत हो उसे इजाफा किया जा रहा है, ऑक्सीजन बेड का इजाफा किया जा रहा है, और जिसे जिस तरह भी हो अच्छे से अच्छा इलाज करने की कोशिश की जा रही है। वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है वेंटिलेटर भी, ताकि आवाम को ज़्यादा ही सहूलत हो। हमारे आनेबुद CM साहब ने ख़ासतौर से इस कोरोना के अंदर काबू पाने के लिए जितनी हिकमत अमली हो, जिस तरीके से भी हमारे ऑफिसर्स हो या हमारे डॉक्टर्स हो या तमाम डिपार्टमेंट हो, मिलजुल कर काम करें और जल्द से जल्द लोगों को इस कोरोना से नजात। Dynamic success the junior college, enter to win, masters in MPC and BIPC, integrated coaching for NEET, IIT, JEE, separate block for girls, better coaching, better planning, better environment with better results, opposite Madanapet Mandi, Saidabad, Hyderabad, phone 0402970-1124. An Institute of Success Schools.